जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विर्नेश, अगेन वेलकम्स यू इन योर इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट द फोर्थ चैप्टर नेम्ड एज स्पेशल प्राइज। दिस इज द चैप्टर फॉर क्लास 8। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एज वेल एज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। नाउ सी हियर, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी इज तपन। तपन इज द मेन कैरेक्टर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इन ज्ञानपीठ हाई स्कूल। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट रॉबिन बोरा। रॉबिन बोरा इज द प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ ज्ञानपीठ हाई स्कूल। आफ्टर दैट हारेन, द शॉपकीपर ऑफ पदुमनी विलेज। रजनी सहाय, टीचर ऑफ क्लास 7th। नरेन एंड महेश, क्लासमेट्स ऑफ तपन। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत जो कि एक भिखारी रहती है। एंड देयर इज ऑल्सो एन एनिमल ऑफ फायर सॉक्स, एक उत्तेजित बैल भी रहता है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ गुवाहाटी कॉलेज, और गुवाहाटी कॉलेज के प्रिंसिपल भी यहाँ कुछ पल के लिए आते हैं एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में इन प्राइज गिविंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द थीम ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द थीम ऑफ स्टोरी? द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज टू सर्च इफ अ नॉटी चाइल्ड इज बैड एट हार्ट और अ वेल डिसिप्लिंड चाइल्ड ऑलवेज गुड एट हार्ट। ये स्टोरी, ये कहानी हमें ये समझाती है कि क्या एक शैतान बच्चा हमेशा बुरा ही होता है, या क्या एक वेल डिसिप्लिंड जो अच्छे मैनर में रहने वाला बच्चा होता है, क्या वो हमेशा अच्छा ही होता है। यही आपको यहाँ समझना है, जानना है और इस कहानी को पढ़कर जानना है। ओके स्टूडेंट, सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी। सी हियर, अ स्पेशल प्राइज। द चैप्टर इज नेम्ड एज अ स्पेशल प्राइज। ओके, चैप्टर बिगिंस विथ प्रिंसिपल समवन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ तपन। ओके, सो हियर आई स्टार्ट माई स्टोरी। प्रिंसिपल समवन, प्रिंसिपल वही ज्ञानपीठ हाई स्कूल के, वो बहुत ही गुस्से में हैं और अपने चौकीदार को बुलाते हैं बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में और कहते हैं कि तपन को बुला लाओ। अब यहाँ मैं तपन का परिचय देना चाहूँगा कि तपन जो है वो कक्षा 5 का एक छात्र है और उसे बहुत ही शरारती समझा जाता है, बहुत ही शैतान समझा जाता है। हालांकि तपन शैतान नहीं होता, तपन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने नेचर से वो रिबेल होता है, यानी थोड़ा सा विद्रोही होता है। जहाँ गलत होती है वो बिना सोचे समझे वहाँ आवाज़ उठा देता है। यही तपन की सबसे बड़ी कमी भी रहती है और शायद यही उसकी अच्छाई भी रहती है। सो प्रिंसिपल ने तपन को बुलाया है, क्यों बुलाया है? हेयर कम सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, हारेंस कंप्लेन एंड तपन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे प्रिंसिपल ने बुलाया तपन को हारेंस के कंप्लेन पे, हारेन के शिकायत पे। हारेन जो है वो पदुमनी विलेज यानी पदुमनी गांव का एक दुकानदार है और वो प्रिंसिपल से शिकायत करता है कि तपन ने अपने मित्रों के साथ उसके दुकान पर पत्थरबाजी की। जब तपन को बुलाया जाता है तो तपन इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ सर, मैंने पत्थरबाजी की, लेकिन क्योंकि ये भी आप जानिए, ये जो दुकानदार है ये बहुत ही धूर्त है, धोखेबाज है, ये लोगों से ज़्यादा पैसे लेता है और सामान कम देता है। जब मैं एक दिन पहले इसके यहाँ से दाल ले गया 1 किलो और घर जाके देखा तो मात्र 800 ग्राम था, और जब मैंने इससे शिकायत की तो ये उसको सुनने की बजाय मुझे दुकान के बाहर ढकेल दिया, इसलिए मैंने इस पर पत्थरबाजी की। प्रिंसिपल कुछ सोचते हैं मगर फिर कहते हैं कि तपन
अगर ऐसा है तो ऐसे के लिए प्रशासन है, पुलिस है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें कुछ करने का अधिकार नहीं है। और वो तपन को 5 स्ट्रोक यानी अपनी छड़ी से 5 बार दंड देते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, फायर्स ऑक्स डिस्टर्ब द क्लास एंड डैमेज द थिंग्स। अब कुछ ही दिनों की बात है, ये पहली घटना घटी रहती है, दूसरे कुछ दिन बाद वो वहाँ पे तपन के स्कूल के बाहर एक बहुत ही गुस्सैल सा सांड जो है वो चारों तरफ उपद्रव मचा रहा होता है और तपन को इसकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती। तो तपन जब रेसस होता है वो क्लास के बाहर स्कूल के बाहर निकल जाता है और उस बैल पर बैठ जाता है और बैठकर ऐसे देखिए वो उस पर बैल की सवारी करके उसको काबू में लाने की कोशिश करता है, मगर वो उसको काबू में जल्दी ला नहीं पाता और वो बैल जो है क्लास में भी घुस जाता है। स्पेशली क्लास 7 में वो चला जाता है, वहाँ सभी बच्चे और वहाँ की जो टीचर रहती है रजनी सहाय वो बड़ी ही मुश्किल से वहाँ कर बच से बच कर निकलती हैं और वो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देती हैं। तो प्रिंसिपल फिर से वहाँ तपन को 15 स्ट्रोक यानी 15 छड़ी का दंड देते हैं। ये घटनाएं बीत जाती हैं। तो कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल साहब संध्या के समय टहल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत रहती है, असहाय ओल्ड लेडी, द हेल्पलेस ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत रहती है जिसकी तपन मदद कर रहा होता है। तपन उसकी गठरी को अपने सर पे रख कर उसे उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। वहीं पर तपन के क्लास के नरेन और महेश भी रहते हैं लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करते, बस प्रिंसिपल को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंसिपल बाद में उस औरत से पूछते हैं तो औरत बताती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, अपना बोझ नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए तपन मेरी मदद कर रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल देखते हैं कि तपन में कुछ अच्छाई है। फिर अगले दिन कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि एक बैल है, एक ऑक्स है, ऑक्स विथ ब्रोकन लेग जिसके पैर में चोट लगी हुई है, तपन उसका मरहम पट्टी कर रहा है। तो प्रिंसिपल सर को यहाँ लगता है कि ये बैल कुछ पहचाना सा है, वो तपन से पूछते हैं कि क्या ये वही बैल है ना जो स्कूल में घुसा था। तो तपन कहता है यस सर, ये वही बैल है, लेकिन उस दिन के बाद से ये किसी को नहीं मारता और लोगों को आने जाने के लिए स्थान भी दे देता है, तो ऐसे स्थिति में तो किसी को इसे मारना नहीं चाहिए, मगर फिर भी लोगों ने इसे पीटा, इसे दर्द हो रहा है इसलिए मैं इस पर दवा लगा रहा हूँ। अब प्रिंसिपल सर समझ जाते हैं कि तपन वास्तव में बुरा लड़का नहीं है। प्राइज गिविंग डे होता है, प्रिंसिपल अनाउंस अ स्पेशल प्राइज ऑन प्राइज गिविंग डे और उस प्राइज गिविंग डे पर प्रिंसिपल सर एक विशेष पुरस्कार की घोषणा करते हैं जो कि पूरे स्कूल के सर्वश्रेष्ठ चरित्र वाले बॉय को दिया जाएगा। और जब उस प्राइज का अनाउंसमेंट होता है तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो प्राइज तपन को जाता है। एंड एट लास्ट प्रेसिडेंट ऑनर्ड तपन विथ स्पेशल प्राइज और अंत में प्रेसिडेंट जो गुवाहाटी कॉलेज के प्रिंसिपल सर आए थे उनके द्वारा तपन को पुरस्कार दिया जाता है और तपन भी काफ़ी खुश होता है। तो बच्चों यहाँ आप समझें कि क्या तपन वास्तव में बुरा था या अच्छा था, ये आप समझें, सोचें और बताएं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।